तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करना चाहती हूँ। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार डर के मारे कांपने लगा कि इतने सारे तारे कैसे बनेंगे, मुझे तो बनाने नहीं आते हैं। सुनारी ने पूछा, उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा की बेटी को 9 लाख तारे चाहिए, अब मैं कैसे बनाऊं? मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की ऐसी बात है, वो तो मुझे फांसी पे चढ़वा देगा। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पत्रा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया और राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। तन्नकूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट में देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उससे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं तो साई प्रजा को, उस सुनार को जिसने तेरे तारे बनाए हैं, जिसने कहानी सुनी है, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। मैं कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। तब दूतों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। फिर दूत भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? तो दूतों ने सब बात सुना दी। वे बोले, उसने अभिमान किया था इसलिए हम उसे छोड़ाए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ, लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो, ऐसा कहकर क्षमा मांगी है। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक मिला, ऐसे भगवान सबको स्वर्गलोक देना।